कुर्बानी कभी बदलाव नहीं होने देंगे। बच्ची हो जो एक बूंद भी राह लहू की, तब तक भारत का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भूल क्रांति या फिर संथाल विद्रोह, हम आदिवासी इस दिन को अपने संघर्ष और अंग्रेजी के द्वारा मारे गए अपने लगभग 20,000 लोगों की याद में मनाते हैं। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट हो रहा है, यह विद्रोह आदिवासियों की संघर्ष की गाथा और उनके बलिदान को आजादी की लड़ाई थी। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले नायकों की याद में मनाते हैं। आज पूरे झारखंड में सिधु कान्हू और चांद भैरव को याद करते हुए अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रति तौर पर फूल दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासियों के खिलाफ पहली बार विद्रोह का बिगुल गूंजा। इसी दिन 400 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों ने साहेबगंज के बोगनाडे गांव पहुंचकर अंग्रेजों से आमने सामने जंग का ऐलान कर दिया। सिधोगढ़ और चांद भैरव के नेतृत्व में संथालों ने मालगुजारी नहीं देने और अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का जोर शोर से ऐलान किया। आदिवासियों ने अपनी सरकार की ओर से आए जमींदार और सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिए। अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मार डाला। इसके बाद 26 जुलाई 1855 को सिधु और कान्हू को फांसी दे दी गई। संथाल की माटी को इन्हीं शहीदों को याद में हर साल 30 जून को हम फूल दिवस मनाते हैं। जनवरी 1856 में जब फूल क्रांति समाप्त हुआ, तब इस इलाके को समय के तौर पर संथाल प्रणाम का नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय दुमका में बनाया गया। इस क्रांति के 44वां साल बाद वर्ष 1900 में पेहान कमेटी ने आदिवासियों को जमीन की सुरक्षा के लिए एक बंदोबस्त अधिनियम बनाया गया, जिसमें यह प्रावधान दिया गया कि आदिवासी की जमीन कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है। खरीदने और बेचने वाले के घर एक ही इलाके में होना चाहिए। इस आंदोलन की अहम भूमिका निभाने वाले दो पहले फूलों और चारों को भी गुणा नहीं जा सकता। सरकार की पुण्य भूमि से फूल का सम्मान अन्याय और दासता से मुक्त की विजय और नायकों की पवित्र स्मरण आज भी हम सबों का मार्गदर्शन कर रहा है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसने हमारी हिफाजत की, ऐसे वीरों को दिल में सदा बसाए रखना। धन्यवाद।